मंदिर बनना क्या कहना चाहते, कैसा लगा? भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जो ये शुभ घड़ी है, ये पूरे भारत के उत्सव की घड़ी है। पूरे भारत को इसको इसी तरह मनाया जाना चाहिए जैसे हम लोग दीपावली मनाते हैं। मंदिर से देखा महाराज जी, इसके बारे में थोड़ा सा। श्री रामलला का जो मंदिर बन रहा है, श्री राम जन्मभूमि का जो मंदिर है, वो अद्वितीय है, अकल्पनीय है। बहुत से लोग इस शुभ घड़ी को देखने के लिए बहुत संघर्ष से गुजरे, सदियों की तपस्या है, ये सैकड़ों सालों की लड़ाई है। कोर्ट कचहरी, पुलिस प्रशासन, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तब जाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये शुभ घड़ी आई है। मैं पूरे भारत के जन जन से अपील करना चाहता हूँ, वो किसी संप्रदाय से है, वो किसी मत से, वो किसी मत मतांतर का भेद नहीं है, राम सबके हैं। राम को किसी एक जाति, एक धर्म, एक वर्ग, एक राज्य, एक राष्ट्र तक सीमित नहीं किया जा सकता है। अखिल कोट ब्रह्मांड नायक राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, शबरी के भी राम है, जटायु के भी राम है, केवट के भी राम है, भरत के भी राम है, लक्ष्मण के भी राम है, सीता के राम, कौशल्या के राम, तेरे राम, मेरे राम, सबके राम। राम के बिना भारत की कल्पना नहीं की जा सकती, कण कण में राम है। इसलिए बोलो जय जय श्री राम। अभी आपने एक दीपक का पूजन किया, परमहंस जी का बड़ा आभारी हूँ कि उन्होंने एक ऐसा दीप प्रज्वलित करने का संकल्प लिया है जिसकी ज्योत पूरे विश्व को ज्योतिर्मय करेगी। जी, अभी कुछ वाराणसी से कोई बात उठ रही है कि शंकराचार्य लोग अधूरा मंदिर शामिल ना हो, क्या कहते हैं? देखिए, हमारे शास्त्रों में एक सूत्र आता है, शुभस्य शीघ्रम, शुभ काम को जल्दी करो, शुभ काम में रोड़े मत अटकाओ। और जहाँ तक तमाम ऋषि मुनि महात्मा शंकराचार्यों का प्रश्न है, रामानंदाचार्यों का प्रश्न है, तमाम धर्मगुरुओं का प्रश्न है, सारे धर्मगुरु तपस्या इसीलिए तो करते हैं कि राम की कृपा की अमृत की बूंदें मिल जाएं। यहाँ तो राम की नाम की गंगा बह रही है, सबको सम्मिलित होना चाहिए, सबको सम्मिलित होना चाहिए। महाराज जी, अरवानी जी का कहना है मोदी को भगवान राम ने चुना, मैं तो एक साथी हूँ, क्या कहना? एक साथी था। अरवानी जी सही कहे हैं, इसलिए सही कहे हैं क्योंकि इतने वरिष्ठ नेता हैं और इतने दिनों से उन्होंने संघर्ष किया, त्याग किया, तपस्या किया, एक पूरे देश में माहौल बना, समाज सर्वसहमति से तैयार हुआ कि भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए। जितना उन्होंने संघर्ष किया है, तो आज अगर उनको एक देश के उस लाल के रूप में एक व्यक्ति मिल गया जो उनके कार्य को उस ऊंचाई तक पहुंचाया, जो उनकी भाव हो, जो उनकी मानसिकता हो, जो देश का भाव हो, तो मुझको लगता है सही में उन्होंने कहा कि मोदी जी को भगवान राम ने चुना है, मैं तो एक सारथी था, सही कहा है उन्होंने। महाराज जी, जानकारी मिली प्राण प्रतिष्ठा में भी शामिल हो रहे हैं? अगर वो स्वस्थ हैं तो होना भी चाहिए, अगर सुरक्षा की दृष्टि से और वो स्वस्थ हैं, अगर आने लायक हैं तो उनको आना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए क्योंकि अगर हम पापियों को निमंत्रण दे सकते हैं, जो पापी निमंत्रण देने के बाद भी मना कर दे ऐसे व्यक्तियों को, लेकिन जो राम जन्मभूमि के लिए संघर्ष किया हो, भारत को हिंदू राष्ट्र की ओर ले जाने के लिए जो नींव बनाई हो, तो उसको तो आना ही चाहिए। महाराज जी, ये इनका कहना है मल्लिकार्जुन को भावनाओं को ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं था मंदिर निर्माण में बीजेपी के आरोपों के बीच कांग्रेस प्रमुख ने 22 जनवरी को अयोध्या में अपने जन्म स्थान पर श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के शीर्ष नेताओं से इनकार पर पार्टी के एक वर्ग के भीतर कलह की कथित सार्वजनिक गुस्से के बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को कहा है यह निर्णय इसका उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब ऐसे नहीं कह रहे हैं। लगातार मैंने कई लोगों के लिए ट्वीट किया, लगातार उनके नेता इस्तीफा देते चले जा रहे हैं। भगवान राम किसी पार्टी के नहीं, किसी दल के नहीं, किसी संप्रदाय के नहीं, पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम तो सबके। क्या कांग्रेस में जो हिंदू हैं, वो हिंदू आहत हुआ और हिंदू इतना आहत हुआ कि कुछ ऐसे जो राम भक्त थे उन्होंने इस्तीफा देना शुरू कर दिया, और जो उनके सुर में सुर मिलाने वाले थे
उन्होंने विरोध करना शुरू किया, इसके डर के मार से उन्होंने ऐसी भाषा का प्रयोग किया, नहीं तो ये इनके पास आस्था नहीं है, ये आस्तिक तो रहे ना, ये शुद्ध रूप से नास्तिक है, और नास्तिक भी नहीं है, ये शुद्ध रूप से वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अध्यक्ष हैं, जो सिर्फ व्यापारिक तौर से कांग्रेस पार्टी में व्यापारिक तौर से अगर ये प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें तो कितना कस्टमर यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे, उस भाव से काम कर रहे हैं। अरे इसके पहले तो उन्होंने ये भी बयान दिया था कि मोदी मजबूत होगा तो सनातन मजबूत हो जाएगा। जो सनातन द्रोही हो, सनातन विद्रोही हो, जो रावण के विचारों को फॉलो करता हो, वो पार्टी धार्मिक कैसे हो सकती है? वो तो रामद्रोही हो सकती है। पश्चिम बंगाल पे फिर हिंदुओं पर हमला हो रहा है, उसमें है पश्चिम बंगाल हिंदू पर अपराध, संतों पर हमले की क्लिप वायरल होने के बाद बीजेपी अमित मालवीय ने टीएमसी को निशाना साधा है। पुरुलिया जिले में साधु का एक सामूहिक को कथित तौर पर भीड़ द्वारा पीटे जाने का एक वीडियो वायरल हो रहा है, क्या कहना है? दुर्भाग्य की बात है, जिस प्रकार से बंगाल में साधु की उस प्रकार से नग्न करके पिटाई करते हुए दूसरे साधु को मारते हुए वीडियो, मैं पूछना चाहता हूं वहां के माननीय मुख्यमंत्री महोदया से, क्या यही पंथ निरपेक्ष देश, क्या यही धर्म निरपेक्ष राज्य जहां पर सभी धर्मों का सम्मान होता हो? यह कह के राम मंदिर का विरोध करने वाली, सनातन संस्कृति की विरोध करने वाली उस महिला से मैं पूछना चाहता हूं, वहां के मुख्यमंत्री महोदया से पूछना चाहता हूं, इस प्रकार से साधुओं के ऊपर हमले हो गए, देख लो महाराष्ट्र में साधु के ऊपर इस प्रकार से हमले हुए, वहां की सरकार चली गई, ऐसा ना हो कि तुम्हारी भी सरकार चली जाए। दूसरी बात, मैं अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज से पूछना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल में सन्यासी साधु की इस प्रकार से पिटाई हो रही है, वो अपने जो उनके प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जो भक्त हैं उनसे सवाल क्यों नहीं पूछते? उनके बारे में एक टिप्पणी अभी तक इनकी नहीं आई है। साधुओं का सम्मान से उनको कोई मतलब लेना देना नहीं है। राम जन्मभूमि भव्य दिव्य नभ बन रहा है, उसके लेकर वो पूरे देश में कंट्रोवर्सी उन्होंने कर दिया, लेकिन पश्चिम बंगाल में साधुओं की इस प्रकार से निर्मम हत्या और पिटाई हो रही है, उस पर एक सवाल खड़े वो नहीं कर रहे हैं। महाराज जी, ये भी संतों ये 22 जनवरी कार्यक्रम का बहिष्कार करने के विपक्ष के दावे के बीच टीएन मठ के शंकराचार्य ने 40 दिवसीय पूजा की घोषणा की है। विपक्ष के दावा कि चार पीठों के शंकराचार्य ने अयोध्या में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया था। तमिलनाडु के काशीपुरम के कोट मठ के शंकराचार्य विजय सरस्वती सबरीमाला स्वामीमल ने शुक्रवार को कहा है काशी में यज्ञाला मंदिर में 22 जनवरी कार्यक्रम के चिन्हित करने के लिए 40 दिवसीय पूजा कार्यक्रम आयोजित करेगा, क्या कहना? देखिए, शुद्ध रूप से कुछ बामी कामी खामियों ने पूरे देश में एक माहौल तैयार किया कि शंकराचार्य जी विरोध कर रहे हैं। शंकराचार्य जी विरोध क्यों करेंगे? जो सनातन धर्म के रक्षक हो, सनातन धर्म के शुभचिंतक हो, वो विरोध करेंगे। कतिपय कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जैसे अभी मुक्तेश्वरानंद महाराज जैसे लोग जिन्होंने राम मंदिर के नाम पर सोना कलेक्शन किया, रुपया कलेक्शन किया, आज तक हिसाब नहीं दिया, जो मोदी जी के खिलाफ में प्रत्याशी लड़ाते हैं और मोदी जी से इस प्रकार से ईसा द्वेष रखते हैं इसी के नाते, ऐसे कुछ लोग हैं बस। बाकी हमारे पूज्य शंकराचार्य, पूज्य सन्यासी सारे पूरे देश में, कल अयोध्या में लमसम 200 पूज्य सन्यासी महामंडलेश्वर आए हुए थे, धर्मगुरु आए हुए थे, अखाड़े के प्रवक्ता आए हुए थे, उन्होंने जिस प्रकार से राम जन्मभूमि दर्शन, अयोध्या के साधु संतों के साथ बैठना, अयोध्या के संतों से मिलना और पूरी अयोध्या में घूमकर भगवान राम के इस गान का गान करना, ये शुद्ध रूप से ऐसे लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है।
जो किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के गोद में खेलते हैं। देखिए, जो शुद्ध रूप से रामद्रोही हो उनको निमंत्रण का कौन सा काम, और रही बात निमंत्रण पहुंचाने के लिए देने के लिए, तो मुझको तो ऐसा विश्वास नहीं है कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने उनको निमंत्रण नहीं दिया होगा। दूसरी बात, उन्होंने ही कहा था जिसको राम जी बुलाएंगे वही आ पाएगा, तो राम जी रामद्रोहियों को नहीं बुलाते हैं। एक बार उन्होंने मौका दिया, उन्होंने विश्व हिंदू परिषद के बड़े अधिकारी को उन्होंने कहा मैं जानता ही नहीं हूँ, जिससे संबंध होता है उसके न्योता में जाना पड़ता है, तो राम जी से उनका संबंध तो है ही नहीं, तो क्यों आएंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।